और फतेहपुर गांव में फायरिंग का मामला सामने आया है। दो गांव में फायरिंग का मामला सामने आया, पुरानी रंजिश के चलते गोलीबारी की जानकारी है। फायरिंग में दो लोग घायल हो गए, दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पृथला से बड़ी खबर सामने आई है। नरहावाली और फतेहपुर गांव में फायरिंग हुई है, पुरानी रंजिश के चलते गोलीबारी की जानकारी। धीरज कौशिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। धीरज, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस मामले में, दो गांवों में गोलीबारी हुई? बिल्कुल सर, मैं बता दूं कि पिथौरा विधानसभा के निरहावली और फतेहपुर गांव में देर रात जो गोलीबारी है वो हुई है और कहीं ना कहीं एक पुरानी रंजिश इसे बताया जा रहा है। जिस तरह से जो पता चला है कि किसी केस में जिनके ऊपर गोलियां चलाई गई है वो गवाह के तौर पर पेश होने वाले थे, उन पर दबाव बनाने के लिए जो गोलीबारी है इन पर की गई है। आरोपी फिलहाल मौके से फरार है। यहाँ पर 18 वर्षीय युवक है विनीत, जिसके पैर में गोली लगने से वो घायल हुआ है और एक छर्रे की वजह से दूसरे व्यक्ति के पेट में जो छर्रे हैं वो लगे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस अभी मामले की छानबीन यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है, लेकिन मौके से जो आरोपी है वो फरार है सर। जी, लेकिन ये पूरा जो मामला है इसमें अभी कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं? सर, मामले की तहकीकात के बाद पता चला है कि दो लोग इसमें घायल हैं, जिसमें से एक 18 वर्षीय युवक जिसके पेट को छूते हुए गोली निकली है उसका नाम विनीत यहाँ पर है, और दूसरा जो फतेहपुर गांव का है मुकेश है, जिसके पैर में छर्रे लगने की वजह से जिसका पैर पूरा जख्मी हो चुका है वो इन्हें बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल में फिलहाल उपचाराधीन रखा गया है, इनका इलाज यहाँ पर जारी है। जी, और पुलिस अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जिस तरह से मामला देर रात का है पुलिस मुस्तैदी से इसमें काम करती हुई नजर आई है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। तमाम जो इस वारदात में संलिप्त लोग हैं वो वहां पर वारदात को करने के बाद फरार हो चुके हैं, पुलिस उन्हें ढूंढने में लगी हुई है। हालांकि पहले जो घायल है उनको उपचार के लिए यहाँ पर बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल लाया गया, उसके बाद अब बहुत जल्द जो पुलिस है अपनी छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तारी करने का यहाँ पर आश्वासन देती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर धीरज, क्या एक पक्ष की तरफ से फायरिंग की गई है या दोनों ही तरफ से फायरिंग का मामला सामने आया? अभी तक की सूचना के आधार पर एक पक्ष की तरफ से ये फायरिंग की गई है, जिसमें ये लोग एक गवाह थे किसी केस के अंदर, जिसकी गवाही इन लोगों की चलने वाली थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो आरोपी पक्ष है जिसकी तरफ से गोलियां चलाई गई वो इन लोगों को डराकर एक दबाव बनाना चाहते थे, जिससे जिस केस में गवाह है उस केस को कमजोर किया जा सके। लेकिन इस वारदात को इतना बड़ा रूप मिल जाएगा इसकी शायद आरोपियों ने भी जो नहीं सोचा होगा, क्योंकि जो गोलियां हैं उनसे दो लोग यहां पर घायल होते हुए नजर आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए धीरज। तो पुरानी रंजिश के चलते गोलीबारी का यह मामला सामने आया है और फायरिंग में दो लोग घायल हुए हैं, दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, फिलहाल उनका उपचार चल रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन आरोपी वहां से फरार हो गए और अब आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस